नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभा पांडे, अनुभास क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने नए वीडियो के साथ आई हूँ और जिसमें मैं आपको एक बढ़िया सा ब्लैंकेट, कार्डिगन, लेडीज़ जैकेट या शॉल बना सकती हैं। किसी भी स्वेटर पे आप इसको डाल सकती हैं। यह डिज़ाइन 4 के मल्टीपल फंदे से बनेगा और 2 फंदे एक्स्ट्रा हमको लेना होगा और बहुत ही आसान डिज़ाइन है। यह दोनों सिलाई में बनेगा, सीधे सिलाई में भी बनेगा और उल्टे सिलाई में भी इसको बनाया जाता है। चलिए अब मैं इसको बताती हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। और देखिए फ्रेंड्स, मैं पहला फंदा उल्टा बुन ली हूं और उसके बाद ऊन आगे करके 2 फंदों का मैं एक कर लूँगी इस तरह से। अब मैं यहां अपने ऊन को इस तरह से 2 बार लपेट लूँगी और यहां इस तरह से फंदे को यहाँ इस ऐसे करके और 2 का एक कर लूँगी। 2 फंदे का एक कर लूँगी और यहाँ मैं फिर एक फंदा घटा दूँगी। और यहाँ फिर ऊन आगे करके इस तरह से मैं 2 बार लपेट लूँगी और इस फंदे को इस तरह से यहाँ मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी और 2 का एक कर दूँगी। और यहाँ फिर मैं एक फंदा घटाऊँगी। यह डिज़ाइन दोनों सिलाई में बनेगा, सीधे सिलाई में और उल्टे सिलाई में भी मैं इस डिज़ाइन को बनाऊंगी। दो बार 2 फंदों को घटाना है और एक बार इस तरह से लपेट देना है। फिर यहाँ मैं एक फंदा घटाऊंगी। एक फंदा फिर घटाना है। मैं पहली सिलाई में ही डिज़ाइन बताना शुरू कर दी हूँ। इसके नीचे आप बॉर्डर बना लेने के बाद डिज़ाइन को बनाइए इस तरह से। ये डिज़ाइन लास्ट पर मेरा 2 फंदा बचेगा, इसको भी मैं 2 का एक कर दूँगी। अब मेरा सीधा सिलाई कंप्लीट हो गया। अब मैं उल्टे सिलाई में इस तरह से घुमा करके और अब मैं यहाँ एक फंदा इस तरह से उतार लूँगी और ऊन को आगे करके एक फंदा, जो लपेटा हुआ फंदा है, एक बार यहाँ मैं उल्टा बुनूँगी इस तरह से और फिर ऊन को अपनी तरफ करके यहाँ एक फंदा इस तरह से बुन दूँगी। अब मैं यहाँ पहले इस फंदे को नहीं बुनूँगी, इधर से इस फंदे को नहीं बुनूंगी। अब मैं पीछे से ले जा कर के सिलाई, देखिए फ्रेंड्स, इधर से पहले मैं उधर से उस फंदे को बुनूंगी और उसके बाद इसको बुन लूंगी।
इस तरह से। अब उनको आगे करके एक फंदा इस तरह से सीधा बुन लेना है और फिर उनको इधर करना है और इसको इस तरह से बुन लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको उस तरह से समझ में नहीं आता है तो आप एक फंद दोनों फंदों को इस तरह से इसमें इसमें ले लीजिए। और दूसरे वाले फंदे को इस तरह से मैं उठा लूँगी और इसमें इसी सिलाई में इस तरह से कर दूँगी और इस फंदे को पहले बुन दूँगी और फिर बाद में दूसरे फंदे को बुन दूँगी। इसी तरह से पूरी सिलाई हमको बुनना है। लपेटे हुए फंदे को दो बार बुनना है और पीछे से इस फंदे में पहले बुन के और फिर आगे वाले फंदे को इस तरह से बुनना है। अब बचे हुए किनारे के फंदे को मैं यहाँ से पीछे से इसको बुन लूँगी। तो सिलाई मेरा कंप्लीट हो गया। अब तीसरे सिलाई में यहाँ मैं फिर पहले वाले फंदे को इस तरह से यहाँ एक फंदा मेरा इस तरह से घटा देना है और ये वाला फंदा जो है यहाँ मैं दो बार लपेट करके और यहाँ फिर एक फंदा यहाँ मैं घटा दूँगी। यहाँ किनारे पर मेरा
कम फंदा था इसलिए मैं यहाँ नहीं बनाई हूँ। तीन फंदे बचे थे और तीन फंदों में मैं इस यहाँ पर नहीं बनाई हूँ। अब रंग सिलाई में मैं बताती हूँ, यहाँ किनारे पर मैं इस फंदे को उसी तरह से दो फंदे तीन फंदा बुन लूँगी और फिर उन आगे करके एक फंदा उल्टा एक तरफ एक बार अपनी तरफ ऊन करके दूसरा फंदा बुन लेना है और फिर इस तरह से पीछे से सिलाई ले जा करके और इस फंदे में इस तरह से बुन देना है और पहले वाले फंदे को मैं बाद में बुनूंगी। और किनारे के फंदे को उसी तरह से बुन लूँगी। इस तरह से ये मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। धन्यवाद।